कई कर्म ऐसे होते हैं जो ऊपर से देखने में बुराई नहीं लगती, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो उनमें कोई ना कोई बुराई भरी होती है। उसमें हम एक मिसाल लेते हैं जिसे हम कह सकते हैं दुख का व्यापार। कोई व्यक्ति दुखी होता है किसी भी कारण से, तो उसको देख करके पहले तो हम दुखी होते हैं और फिर अपने उस दुख को दूसरों को सुना करके उनको दुखी करते हैं, तो ये एक प्रकार का दुख का व्यापार है। भगवान कहते हैं संगम युग में दुख का व्यापार नहीं करना, सुख का व्यापार करो। फिर हम पूछते हैं अच्छा अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो क्या उसको देख करके दुखी होना गलत है? भगवान कहते हैं अगर कोई दुखी है तो आप अपने ज्ञान बल से उसके दुख को दूर करो, और अगर आपके पास इतना ज्ञान बल नहीं है तो आप भगवान से प्रार्थना करो, दुआ करो, लेकिन दुखी होकर के दुख को फैलाओ तो नहीं। तो ये भी कर्म की गहन गति है कि हमें किसी भी दुख को फैलाना नहीं है, वर्णन नहीं करना है। कई बार जब हमारे अपने जीवन में दुख आ जाता है तो हम ही चेहरा बना लेते हैं, उदास कर लेते हैं, फिर दूसरे लोगों का ध्यान हमारी तरफ खींचता है, फिर वो बार बार हमसे पूछते हैं क्या हुआ, फिर हमें खुश करने के लिए वो कई तरीके अपनाते हैं। तो इसमें भी उन लोगों का समय, स्वास्थ्य, संकल्प हमारे प्रति लगता है तो हमारा बोझ और बढ़ जाता है। इसलिए ये भी कर्म की गहन गति है कि अगर जीवन में दुख आया तो उसे अपने मनोबल से फेस करो, लेकिन अपने चेहरे को ऐसा रखो कि सामने वाले के संकल्प ना चले, क्योंकि हमारे कारण किसी के संकल्प चलते हैं तो ये भी एक प्रकार से कर्म का बोझ है।